हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास एकदम। एंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, सब बढ़िया? चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो गाइस, आज के सेशन के अंदर हम लोग महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बच्चों ने मेरे से बोला था कि सर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दीजिए, तो उसी लिए हम लोगों ने आज एक स्पेशल सीरीज़ बनाई है जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस महाराष्ट्र सीईटी के क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस सीईटी वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट के अंदर भी सेम पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कुछ टाइम से, ठीक है। थोड़ा नीट का लेवल कम हो रखा है डेफिनेटली, एक तो कोरोना है उसके कारण से थोड़ा और कम हो जाएगा नीट का लेवल। तो आप लोग भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ध्यान से करें, ठीक है। आप लोग के लेवल के ही क्वेश्चन हैं मान के चलो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, जैसे आप लोग को पता है कि सीईटी के पेपर में आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो 50 क्वेश्चंस को अगर मैं सॉल्व कराऊंगा एक वीडियो में, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, आप लोग देखोगे नहीं, इतनी लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो आप लोग, है ना। तो हमने क्या करा है, हर एक पेपर को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर 15 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट के अंदर 15 एंड थर्ड पार्ट के अंदर 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और एक बार आप लोग देखो, आपको अच्छी लगती है तो बाकी पार्ट्स भी देखो, मज़ा आएगा तुम्हें। 2018 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, इस फिर 17, 15, 14, 16 सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कर दूंगा जितने मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 से। तो 51 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, और क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन आ रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, यहाँ मैं आंसर सॉल्व करूंगा, यहाँ पर क्वेश्चन है। आप लोग एक काम और कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आपको जैसे ही क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हुए बोर्ड में, आप लोग वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन एक बार ट्राई कर सकते हैं। जिसने ट्राई नहीं करा है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना। जिसने ट्राई कर लिया वो तो डायरेक्टली आंसर चेक करो अपने अपने, जिसने ट्राई नहीं करा है आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, उसके बाद रिज्यूम करके अपने क्वेश्चन मिलाओ कि सही है कि गलत है, ठीक है। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है गाइस, अ सर्टेन रिएक्शन अकर इन टू स्टेप। एक रिएक्शन दे रखी है जिसके दो स्टेप हैं, 2SO2 प्लस 2NO2 गिव 2SO3 प्लस 2NO, एंड सेकेंड स्टेप है इसका 2NO प्लस O2 टू गिव 2NO2, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि इन दिस रिएक्शन NO2 इज इंटरमीडिएट, NO इज इंटरमीडिएट, NO इज कैटलिस्ट, O2 इज इंटरमीडिएट। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैटलिस्ट की गाइस। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन का रेट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ऐसी स्पीसीज जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। और दूसरा इसका पहचानने का तरीका होता है, कैटलिस्ट हमेशा जो एरो दिख रहा है आप लोग को रिएक्शन के ऊपर, जो एरो दिखता है ना, यहाँ पर ऊपर लिखे जाते हैं। तो देखो, ना तो यहाँ पर कुछ ऊपर लिखा है, ना तो यहाँ पर कुछ ऊपर लिखा है, मतलब इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट तो है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, समझ लो। अगर ऊपर कुछ लिखा होता तब तो बोलता कि मैं कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट तो है नहीं। अब बाकी बचते हैं इंटरमीडिएट वाले। तो इंटरमीडिएट पहले समझो कि इंटरमीडिएट होता क्या है। तो गाइज, इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में बनता है, ठीक है, रिएक्शन के बीच में बनता है, ठीक है। एक ऐसा स्पीसीज जो रिएक्शन के बीच में बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। और बीच में बनने के कारण इसकी जो एनर्जी होती है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और स्टेबिलिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा लो होती है, ठीक है। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है, जिसके कारण से स्टेबिलिटी क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा लो होती है। अब स्टेबिलिटी लो होने के कारण क्या होता है, जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये रिएक्शन के बीच में बनता है, ये दो इसके फैक्टर हैं इंपॉर्टेंट, जिसका देख के आप पहचान सकते हो कि इंटरमीडिएट कौन सा है। तो देखो, रिएक्शन के रिएक्टेंट ये दिख रहे हैं आपको, प्रोडक्ट ये दिख रहा है, अगर हम मान लें कि ये दो स्टेप की रिएक्शन है केवल, तो बीच में क्या बनते हुए दिख रहे हैं, ये दोनों बनते हुए दिख रहे हैं ना। अब इन दोनों में देखो रिएक्शन कौन कर रहा है, तो इन दोनों में देखो SO3 भी इंटरमीडिएट हो सकता था और NO भी हो सकता था, पर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे रिएक्शन कौन कर रहा है, देखो NO। मैंने बोला था स्टेबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी कम होने के कारण वो जल्दी से रिएक्शन कर जाता है और दूसरा कंपाउंड बना देता है। तो यहां देखो NO ने किसके साथ रिएक्शन कर दी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दी और NO2 बना दिया, बात समझ लो, दूसरे कंपाउंड में चेंज हो गया। दैट मीन NO क्या होगा आपका, इंटरमीडिएट होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट 52 क्वेश्चन। 52 बोलता है गाइस, विच अमंग द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो पता है आप लोग को, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ठीक है। अब बोल रहा है रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अंदर आइसोबेरिक कंडीशन। आइसोबेरिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर रहे कॉन्स्टेंट, तो दिस इज नोन एज आइसोबेरिक, है ना। आइसो बार मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट, आइसो कोर मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, आइसो थर्मल मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, है ना। तो आइसोबेरिक कंडीशन के अंदर क्या होगा, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यूपी बोल सकता हूँ, कि जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं आइसो कॉन्स्टेंट प्रेशर में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूपी बोलते हैं, हीट प्रोवाइडेड द कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो क्यूपी, क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट बोला है ना कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और डब्ल्यू पता है तुम्हें क्या होता है, माइनस
पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है, तो डब्ल्यू की जगह माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी लगा दिया, कॉन्सेंट्रेशन में ही होता है वर्क डन, तो यही आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कोई दिख रहा है? तो यस, 52 का आंसर हो जाएगा गाइस ए, कुछ और हो नहीं सकता पॉसिबल, तो आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ, हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछे सेम क्वेश्चन हो आपसे, बोले आइसोकोरिक में, आइसोकोरिक में बताओ क्या इक्वेशन होगी थर्मोडायनेमिक की, ठीक है? तो आइसोकोरिक का मतलब क्या होगा गाइस, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, है ना, तो सेम लगाओ जरा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, तो आइसोकोरिक के अंदर क्या होगा, सबसे पहले इसको क्यू वी बोल सकते हैं, जैसे इसको क्यू पी बोल रहे थे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था, तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो इसको क्यू वी बोल सकते हैं, और वर्क डन क्या होता है गाइस, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये होता है ना, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ ही नहीं रहा है ना, तो घट रहा है, तो वॉल्यूम डेल्टा चेंज, डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम, तो वो तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो जीरो होगा, तो डेल्टा वी जीरो होने के कारण ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसके कारण से जो डेल्टा यू आएगा डेट विल कम्स आउट इक्वल्स टू क्यू वी, ठीक है? तो अगर आइसोकोरिक की बात करते तो हमारा आंसर क्या होता, जो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू वी होता है, ठीक है? फिलहाल आइसोबेरिक है तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ए ही रहेगा, तो 52 का आंसर हो जाएगा ए, ओके, ठीक है? नाउ 53 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 53 क्वेश्चन बोलता है, ड्यूरिंग गैल्वनाइजेशन ऑफ आयरन विच मेटल इज यूज्ड फॉर द कोटिंग ऑफ आयरन सर्फेसेस, तो डायरेक्ट लाइन स्टेटमेंट है आपकी बुक की, क्या होता है, जिंक का यूज़ करते हैं गैल्वनाइजेशन में, ठीक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 53 का, जिंक का यूज़ किया जाता है। 54, फॉर्मेशन ऑफ PCl3, 54 बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ PCl3 इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस एटम, तो आपको PCl3 के अंदर फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो इसके लिए याद करो मैंने एक ट्रिक बताई थी, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये होता है ना, जिसको नहीं पता यहाँ देख लो, हाइब्रिडाइजेशन इज द सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब करना कैसे है, तो सबसे पहले देखो सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस बना दिया। अब फॉस्फोरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये आपको पता होगा, नाइट्रोजन वाली फैमिली से, मतलब 15 ग्रुप से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत, ठीक है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत, तो 15 ग्रुप से बिलोंग करता है फॉस्फोरस। तो इसका करना क्या है, सबसे पहले जो हम ट्रिक की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट ट्रिक देखो, 15 ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो 5 बिंदियां लगा दो, 15 ग्रुप से बिलोंग करेगा 5 बिंदी, अगर 16 ग्रुप से बिलोंग करता है 6 बिंदियां लगा दो उसके चारों तरफ, तो 5 बिंदी लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बिंदी लगा दी, बिंदी मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है? बिंदियां का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लगा दिए, क्योंकि इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर 16 ग्रुप का होता, 15 ग्रुप वालों के पास, सबके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 बिंदियां लगा दी, 1, 2, 3, 4, 5, विच इंडिकेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? नाउ बगल में क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कितना बॉन्ड बनाएगा, केवल एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? तो एक बॉन्ड बनाएगा, तो हर एक बिंदी से जितने क्लोरीन है उतने बना दो, तो एक एक फॉस्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन, भाई 7 को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो क्लोरीन आया, एक फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, फिर दूसरा क्लोरीन आया, एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया, क्योंकि ये क्या था आपके इलेक्ट्रॉन थे, एक और क्लोरीन आया, इसने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया फॉस्फोरस का, तो 5 बिंदियाँ थी, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है? 3 क्लोरीन आके जुड़ गए। अब ट्रिक में आ जाओ, ट्रिक क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, हमें पता है सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा दो पाई होता है। फिलहाल यहाँ पर तीनों की तीनों सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने, 1, 2, 3, और लोन पेयर कितने हैं, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को क्या बोल सकते हैं, एक लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, तो एक लोन पेयर है, तो 3+1 कितना हो गया गाइस, 4 हो गया, 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी आपकी, sp3 हो जाएगी, 4 मतलब 3+1 4, 4 मतलब sp3, या फिर ऐसे देख सकते हो जिसको याद नहीं है, 3+1 4 दिख रहा है आप लोग को, देखो p के ऊपर 3, s के ऊपर 1, तो 3+1 4, 4 मतलब sp3, तो ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर बाय द वे 3 आता तो क्या होता, sp2, तो देखो 2+1 3, तो 3 का मतलब sp2, ठीक है? फिलहाल ये निकल के 4 आया, 4 मतलब क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है? तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, यस, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है गाइस? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 55 बोलता है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाएगा, ठीक है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बनाएगा, उसके लिए एक सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक एलिमेंट कौन से होते हैं, ठीक है? तो इसके लिए एक ट्रिक है जो मैंने अपने बच्चों को सिखाया रखी है, जिसको नहीं पता वो भी सीख लो, ऐसे एक ट्रिक बता देता हूँ। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट याद रखना है, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, ठीक है? सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, मतलब
भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं वो सुनो कि भाई तुम्हारा नीट क्वालिफाई हो जाए, सीईटी क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। तो सबकी प्रार्थना सुनो, किसको बोल रहे हैं? प्रभु अल्लाह भगवान को बोल रहे हैं। तो इससे हम याद रख सकते हैं, सब के लिए एसबी बोल दिया, जन के लिए जेडन बोल दिया, आज की हटा दो की को, की बस इसमें आ रहा है तो लिखा है हमने, आज के लिए एएस बोल दिया, सुनो के लिए एसएन बोल दिया, प्रभु के लिए पीबी बोल दिया, अल्लाह के लिए एएल बोल दिया, ठीक है। तो सब जन की आज सुनो प्रभु अल्लाह, याद हो गया, सब जन की आज सुनो प्रभु अल्लाह। तो ये हो गया एंटीमनी, जिंक, आर्सेनिक, टिन, लेड एंड एलुमिनियम, ठीक है। तो ये सारे के सारे एम्फोटेरिक एलिमेंट होते हैं, तो इनकी जो ऑक्साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी गाइस? एम्फोटेरिक ही होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लो क्या है, कार्बन, जिंक, कैल्शियम, सल्फर। तो जिंक दे रहा है आपका आंसर, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो 55 का बी, ठीक है। तो एक ट्रिक याद रखना, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी जिंक बोला है, हो सकता है किसी के अंदर एलुमिनियम बोला हो, तो वो आंसर हो जाता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है? एनिलीन को लेंगे, एनिलीन डेट इज NH3, ठीक है। इसको करेंगे किसके साथ? CH3CO2CO, इसके साथ रिएक्ट करेंगे। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, फिर Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे, फिर H के साथ रिएक्शन करेंगे। तो बोल रहे हैं क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात गाइस, ये रिएक्शन या ये वाला पार्ट हमने सुना होगा जब हम लोग करते हैं, या तो आप लोगों ने ऐसा सुना हो सकता है कि एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन, या तुमने सुना हो सकता है, ठीक है, कि एक्टिवेट करते हैं पोजीशंस को या फिर डीएक्टिवेट करते हैं, ऐसा भी हो सकता है सुना, किसी ने सुना हो, या फिर प्रोटेक्शन एंड अनप्रोटेक्शन करके सुना हो सकता है कि पोजीशंस को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बनता क्या है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है एनिलीन के केस के लिए, एनिलीन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये COCH3 बन जाता है, ठीक है। एसिटनलाइड बोलते हैं इसको, ठीक है, एसिटनलाइड बन जाता है आपका जब हम इसका यूज़ करते हैं, और इससे प्रोटेक्शन हो जाती है, मतलब जो जगह है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, एनिलीन के अंदर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन सारी की सारी एक्टिवेट होते हैं, तो जो भी ग्रुप जुड़ता है ऑर्थो में भी जुड़ जाता है, पैरा में भी जुड़ जाता है, मतलब हमें ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलता है। तो हमें ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ना मिले, हमें मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिले, उसके लिए हम ये काम करवाते हैं। बात समझ आया क्यों कराते हैं? मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलने के लिए। तो जैसे ये कराया, इसके कारण से अब जो तीनों पोजीशन एक्टिवेट थी अब नहीं रहती, या तो प्रोडक्ट आपका पैरा में मिलेगा या तो ऑर्थो में मिलेगा, एंड बिकॉज ऑफ स्टेरिक इफेक्ट प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? हमें पैरा में मिलेगा, ठीक है। बात समझ आ गई। नेक्स्ट स्टेप में डाला इन्होंने ब्रोमीन, तो ब्रोमीन कहाँ मिलने वाला है हमें, ये आपको पता चल चुका है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक इफेक्ट ऑर्थो में तो मिलेगा नहीं, तो कहाँ मिलेगा? ब्रोमीन आके पैरा में जुड़ जाएगा। एंड लास्ट स्टेप H+OH डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? दोबारा अनप्रोटेक्शन हो जाएगा, NH3 बन जाएगा दोबारा, ये हट जाएगा यहाँ से, और Br एज इट इज जाएगा, और यहाँ से CH3CO और ये OH उसके पास आके जुड़ेगा, H आके इसके पास जुड़ जाएगा, तो NH2 ये एनिलीन मतलब NH3 नहीं, NH2, ठीक है, NH2 मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? NH2 है एनिलीन, मतलब गलती से मैंने NH3 लिख दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऐसा कुछ दिख रहा है, पैरा, ब्रोमो, एनिलीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैरा पोजीशन में ब्रोमो, और ये क्या है? एनिलीन है, दिस इज योर एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2, दैट मींस एनिलीन। तो ऐसा ऑप्शन पैरा, ब्रोमो, एनिलीन, या सी। तो 56 का हो जाएगा गाइस सी, ठीक है। ओके, नाउ 57 क्वेश्चन, 57 क्या बोल रहा है? 57 बोल रहा है आपसे, आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप विच हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब माइनस आई इफेक्ट इनमें से कौन होगा? तो माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन को देता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खींचता है, उसको माइनस आई बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको प्लस आई बोलते हैं। तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, CH3 इज द प्लस आई ग्रुप, प्लस इंडक्टिव ग्रुप, और COH हो गया, CN हो गया, NO2 हो गया, तीनों के क्या होते हैं? माइनस आई ग्रुप होते हैं, माइनस इंडक्टिव ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 57 का सी, दैट इज CH3 इज द प्लस आई ग्रुप। ये पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, ठीक। ओके, 58 क्वेश्चन, तो 58 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 58 क्वेश्चन बोलता है गाइस, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल क्रिस्टलाइज इन सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में कौन करता है? पोलोनियम करता है। तो पहली बात तो आंसर होगी आपका ए, ये भी डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन है आपके, मतलब जो मैंने दिए थे, वरना ये बेसिक से कुछ एलिमेंट्स के आप लोग स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे, जैसे पोलोनियम कौन से फॉर्म में आता है? सिंपल क्यूबिक में आता है। बाकी को भी बता देता हूँ, आयरन आता है गाइस BCC में, ठीक है, याद रखना, हो सकता है इस पेपर में आपको आयरन के बारे में पूछ ले कि आयरन कौन सा क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉलो करता है, तो BCC, एंड कॉपर एंड गोल्ड सेम करते हैं, डेट इज FCC, ठीक है। तो एटलीस्ट पोलोनियम हो गया आपका सिंपल क्यूबिक,
फिलहाल हमारा आंसर क्या है, पोलोनियम ही है, आयरन करता है BCC, कॉपर और गोल्ड करते हैं FCC, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल क्यूबिक पूछ रहा है, सिंपल क्यूबिक कौन करता है, पोलोनियम करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन 59 क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड शो टेंडेंसी ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब ऐसा जो क्या करे, जिसका ऑक्सीडेशन भी हो एंड एज वेल एज क्या हो, जिसका रिडक्शन हो, ऐसे को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है बताया हुआ, जिसको नहीं पता है समझ लो, H3PO3 कैन अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा। क्या हो, कैसे होता है देखते हैं। तो H3PO3 विल कन्वर्ट इनटू H3PO4 प्लस PH3, ठीक है। तो H3PO3 किस में कन्वर्ट होता है, H3PO4 और PH3 में कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, 3 + x - 3 = 6, 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा, +3। तो यहाँ पर फॉस्फोरस का है +3, यहाँ पर फॉस्फोरस का निकालोगे कितना आएगा, 3 + x - 8, एक ऑप्शन का -2, तो x - 5 = 0, तो x कितना आ गया, +5। तो यहाँ पर फॉस्फोरस का है +5, यहाँ पर क्या आएगा, x हाइड्रोजन का +1, तो 3 है तो +3, x इक्वल टू क्या आएगा, -3, तो यहाँ पर आएगा -3। अब आप लोग देख रहे हैं फॉस्फोरस +3 से +5 में जा रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और फॉस्फोरस +3 से यहाँ क्या जा रहा है, -3 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ये कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है H3PO3 जिसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बीच की है। हमें पता है फॉस्फोरस -3 से +5 तक जा सकता है, -3 से +5 तक जा सकता है, तो यहाँ पर +3 है, बीच की है, मतलब ये +3 से +5 भी जा सकता है, +3 से -3 भी जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड जो जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पॉसिबल है, उसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज पॉसिबल। तो ऐसा इसी के लिए हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि H3PO4 का डिसप्रोपोर्शनेशन क्यों नहीं हो सकता, तो गाइज H3PO4 में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा सकता है, +3 में जा सकता है, -3 में जा सकता है, +4 में जा सकता है, समझ रहे हो, +5 से +3 -3 - 4 में जा सकता है, मतलब कम हो सकता है, पर +5 से +6 + 7 में नहीं जा सकता, क्योंकि फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5 से आगे वो एक्सीड नहीं कर सकता, समझ लो। तो इसलिए इसका रिडक्शन तो हो सकता है, पर इसका ऑक्सीडेशन नहीं पॉसिबल है, दैट्स व्हाई H3PO4 का डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं होता। क्लियर हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो खैर क्या आंसर हो जाएगा इसका, 59 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 59 का हो जाएगा सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड, गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर AuCl4-, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, x मान लेंगे -1 है, 4 का -4 इक्वल्स टू माइनस, ऊपर दे रखा है इक्वल्स टू -1, जो ऊपर दिया होता है वो यहाँ जाता है -1, तो x इक्वल्स टू -1 +4, डेट इज +3, ठीक है। तो +3 आ जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन था, 60 का आंसर हो जाएगा B, ठीक है, +3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 61, विच सिंबल रिप्लेस द एटॉमिक मास यूनिट। आजकल 61 क्वेश्चन बोल रहा है AMU को किसने रिप्लेस करा है, तो AMU इज द एटॉमिक मास यूनिट, मास को बताने की, एटम के मास को बताने की यूनिट को हम AMU बोलते हैं। ये क्या बताते हैं, जैसे ऑक्सीजन है 16 AMU बोलते हैं, एक ऑक्सीजन एटम का मास क्या है, 16 AMU है, ठीक है। तो किसी भी एटम के मास को बताने की यूनिट है AMU, एंड आज की डेट में AMU को किसने रिप्लेस कर दिया, यू ने रिप्लेस कर दिया, तो हम ऑक्सीजन को 16 AMU की जगह हम वी कैन ऑल्सो से डेट 16 U, यू इज द यूनिफाइड मास, यू का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड मास, और AMU की जगह हम यू भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 61 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो 61 का आपका हो गया ए, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 62 क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट इमीडिएटली विद लुकास रिएजन। तो अल्कोहल चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा लुकास रिएजन के साथ 3 डिग्री के अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्ट करते हैं, है ना। 3 डिग्री का अल्कोहल कौन सा है इसके अंदर, ए 1 डिग्री का हो गया, बी 1 डिग्री का हो गया, सी 2 डिग्री का हो गया, डी इस 3 डिग्री का। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि डी क्या है, 3 डिग्री का अल्कोहल है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देखते रहे इस साइड में, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, 3 डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा, बात समझ गए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 बोलते हैं, व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 से SO3 इन लेड चैम्बर प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जनरली दो प्रोसेस से बनाया जाता है, एक हो गया लेड चैम्बर प्रोसेस, एक होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो यहाँ पर फिलहाल बोला है कि लेड चैम्बर प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या होता है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है, नाइट्रिक ऑक्साइड, डेट इज NO, ठीक है। तो यहाँ पर लेड चैम्बर प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या होता है गाइस, NO, डेट इज नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट के तौर पर काम किया जाता है,
ठीक है। अगर बाय द वे आपसे पूछे कि सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और बोले कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बताओ कैटलिस्ट क्या होता है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट होता है वेनेडियम पेंटोक्साइड V2O5। तो आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर कहो एक एडिशनल क्वेश्चन जो आपसे इस साल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं गाइस? वेनेडियम पेंटोक्साइड V2O5 यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 64 बोलता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड व्हेन 2 एम्पीयर करंट क्या है? 2 एम्पीयर है, 2 एम्पीयर इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर 20 मिनट। टाइम हो गया 20 मिनट, तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दोगे इनटू 60 हो गया, कितना हो गया 1200 सेकंड। ठीक है, अब क्यू निकाल दो, क्यू का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, आई कितना है 2 इनटू टाइम कितना दे दिया 1200, कितना हो गया 2400 कूलम। ठीक है, 2400 कूलम हो गया। और आपको एक चीज़ पता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना कूलम चाहिए होता है? 96500 कूलम होता है नहीं होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 फेरेट के लिए कितना होता है? 96500 कूलम होता है। और क्वेश्चन में बोल रहा है जब इतना करंट और इतना टाइम हो, मतलब चार्ज 2400, क्योंकि इस करंट और इस टाइम के अक्रॉस हमने चार्ज निकाल लिया, तो आपसे बोल रहा है 2400 कूलम के अक्रॉस कितना मोल होगा, तो इसको एक्स मान लो। और ये चीज़ हमने सिखा रहा है कि बेसिक मोल कॉन्सेप्ट के अंदर या फिर यूनिटरी मेथड जो रेशियोज होते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं भाई। ये तो है 96500 कूलम के लिए एक मोल है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2400 निकाल ले, 2400 के अक्रॉस कितना मोल होगा? एक्स होगा, क्योंकि मोल ही पूछ रहे हैं ना कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो एक्स कितना आएगा? 2400 डिवाइड बाय 96500। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो 0.024 आ जाएगा, मतलब 2.4 × 10^-2। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? सी हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो 64 का हो जाएगा सी। ओके, नाउ 65 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? द मोलारिटी ऑफ द यूरिया सॉल्यूशन बाय डिजॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ यूरिया इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। मोलारिटी आपको निकालनी है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ये फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल होता है वेट अपॉन मोलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है यूरिया का 15 ग्राम, मोलर वेट भी गिवन है 60, और वॉल्यूम तो देखो वॉल्यूम दे रखा है 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक चीज़ ध्यान रखना, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है गाइस मिलीलीटर, और डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर। मतलब तुम्हें आप क्या बोल रहा है? 500 सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा है, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होगा? 500 सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोल सकते हो? मिलीलीटर, है ना? तो इसका मतलब है 500 मिलीलीटर, सीधी सी बात है। ठीक है, ओके, तो 500 मिलीलीटर हो गया इसका फॉर्म। तो यहाँ नीचे वॉल्यूम लिख देंगे 500 मिलीलीटर, पर याद करो फॉर्मूले में या लीटर में चाहिए होता है ना, तो लीटर में चाहिए होता है, तो क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो कितना आंसर हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 15 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 1/2, 2 ऊपर चले गया तो 30 डिवाइड बाय 60 दैट इज 0.5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 0.5 मोल पर लीटर, या फिर पर इन्होंने बोल रखा है 0.5 मोल पर डीएम क्यूब, है ना? और हमारा हमने किस में लिया? लीटर में। तो हमें पता है लीटर एंड डीएम क्यूब क्या होता है? सेम ही होता है। तो चाहे 0.5 मोल पर लीटर बोलो या फिर मोर पर डीएम क्यूब बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 65 का बी। ठीक है, बी हो जाएगा। तो फिलहाल इस पार्ट में इतने क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में, जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।